पहले मेरा सवाल आपसे सुप्रिया, इस चुनाव में, कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर बैन लगाने के मुद्दे के साथ जो ये चर्चा की शुरुआत हुई है, ये शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसका ऐलान कर दी। आप उस तरफ ले गए इस चुनाव को जहां आपका मुताबिक आप नहीं चाहते थे कि ये जाए, सिर्फ विकास के मुद्दे पर बात हो, सिर्फ भ्रष्टाचार पर बात हो, तो क्यों ये इस तरफ चर्चा गई? इस चुनाव में पेसीएम और 40% सरकार कमीशन खोरी की, वही एक मुद्दा है। मरण पत्र से जन्म पत्र ये सरकार की असलियत है। अगर शाजिया तुम बदतमीजी करोगी तो मैं तुम्हें नहीं रोक दिया। सुप्रिया मैंने रोक दिया, बोलने दो फिर। सुप्रिया मैंने रोक दिया, आप बोलिए। आप बार बार एक 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 आप भाग रही है, लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर। गोल गोल जलेबी बना रही है और सवाल का जवाब ला रही हूँ और अब वही बात को दोहरा रही है। मैं दोहराना शुरू कर दूँ, मैं नेशनल हेरल्ड केस के बारे में बताना शुरू कर दूँ। शाजिया तुम एंकर नहीं ठीक है, सुप्रिया आपके चुपचाप आपके मुताबिक अभी मेरा टर्न है बोलने का, चुप रहो एंकर नहीं होगा, आप बोलना। पहले उनकी बात पूरी सुन लेते हैं फिर मेरा सवाल आपसे भी होगा। सुप्रिया पूरा करें, संक्षेप में पूरी करें। सरकार एक मुद्दा है, कर्नाटक की जनता का सर्वे आफ्टर सर्वे देख लीजिए, कांग्रेस की प्रचंड जीत होने वाली है। सर्वे आफ्टर सर्वे देख लीजिए, वो कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ क्या मचा हुआ है, अंदरूनी कोहराम मचा हुआ है। 40 से ज्यादा बागी इनके खड़े हुए हैं, इनके मुख्यमंत्री और जवाब ले लेते हैं। अब जवाब ले लेते हैं। सुप्रिया शाजिया मैं आपके पास आ रही हूं, शाजिया कमेंट्री, शाजिया कमेंट्री, सुप्रिया 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 जवाब भी ले लेते हैं, मेरा सवाल भी, शाजिया मेरा सवाल भी सुनिए, शाजिया मेरा सवाल भी सुनिए, शाजिया मेरा सवाल भी सुन लीजिए और सुप्रिया का जवाब भी दे दीजिए। शाजिया मेरा सवाल आपसे ये है, शाजिया मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा, विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था कर्नाटक चुनाव में, तो क्यों हम सिर्फ धर्म पर चर्चा सुन रहे हैं, क्यों सिर्फ धर्म पर बयानबाजी हो रही है? जी जवाब दूंगी आपको, प्रेस नेते का पैदल काम करना पड़ेगा। सुप्रिया सुप्रिया सुन लेते हैं, सुप्रिया अब वो बोल, अब वो जवाब देंगी, आप सुने। सुप्रिया शाजिया को बोलने दे। जी शाजिया, सुप्रिया जी इतने साल आप खुद भी आंकर रही हैं, कितना फुटेज खाती हैं, हम सब दोहराती हैं चीजों को। शाजिया सुप्रिया अब मौजू पर आते हैं। सबसे पहले तो कर्नाटक में जो हो रहा है और आपके के दिलो दिमाग में हो रहा है वो है अंदरूनी कोहराम। वो अंदरूनी कोहराम जो है जिसका सबब है स्मृति ईरानी का जो बयान, जो पूरी तरह से सच है, जिसका जवाब ना आपसे देखते बन रहा है, ना निकल पा रहे हैं सच को, ना उगल पा रहे हैं सच को। दरअसल कांग्रेस पार्टी 40 से ज्यादा बागी आपके हैं, बड़े बड़ों को घर आपने बिठा दिया है, येदियुरप्पा आपके नाराज हैं। सुप्रिया सुप्रिया देखिए, सुप्रिया मैंने शाजिया को रोका था, सुप्रिया मैंने शाजिया को रोका था, आप एंकर होने की दुआई तो दे रही हैं, सुन लीजिए ना, अभी अभी उनके बोलने का समय। सुप्रिया 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 उनकी बात सुन लेते हैं, सुप्रिया सुन लेते हैं उनकी बात। आप दोनों को तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि एक समय में एक व्यक्ति बोलेगा। तो आप ही के थे ना, छोड़कर आ गए तमाम दर्शकों की इज्जत करके, जो टीवी के दर्शक हैं, जो हमारी एंकर हैं, सुप्रिया प्लीज अब सुनेंगे शाजिया को, उनकी इज्जत करके और इस प्रोग्राम की मर्यादा की इज्जत करके। चलिए शाजिया जवाब दीजिए, शाजिया जवाब दीजिए, शाजिया जवाब दीजिए। जी तो मैं जवाब दे रही थी कि राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी जी और अमेठी की जनता ने जिस तरह से ठेंगा दिखाया राहुल गांधी को, उसका सबसे परिणाम वाली है सामने। कर्नाटक की बात करेंगी आप, शाजिया कर्नाटक की बात करेंगे अगर आप चुप रहेंगे ना। जी जी बोलिए, थोड़ा नहीं करेंगी, नहीं कर पाएंगी कर्नाटक। सुप्रिया सुन लेते हैं, सुप्रिया सवाल पूछ रही हैं आप इनसे, सुप्रिया सुन लेते हैं। अच्छा अब दूसरी बात, 100 बातों की एक बात स्मृति ईरानी अगर कह रही हैं और कि आप हिंदू धर्म का भी मजाक उड़ा रहे हैं और मुसलमानों का भी लगातार मजाक उड़ा रहे हैं, कौन यकीन करेगा? करप्शन की बात पर कोई कांग्रेस पर यकीन करेगा? राम मंदिर की बात पर कोई कांग्रेस पर यकीन करेगा? बजरंग दल को बैन करने वाली, अपने मैनिफेस्टो में डालने वाली उस पार्टी को कि लोग जब वो कहेंगे कि वो हनुमान के, भगवान हनुमान के उपासक हैं, कौन यकीन करेगा भाई बताइए?
शाजिया, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, एक सवाल मेरा आपसे, एक सवाल मेरा आपसे, बजरंग दल पर अगर पाबंदी लगाने की बात होती है तो उसको बजरंग बली से जोड़ना क्या ठीक है? शाजिया, शाजिया, बजरंग दल पर पाबंदी की बात पर उसी मुद्दे पर चर्चा की जा सकती थी, लेकिन बजरंग बली से जोड़ना क्या वो ठीक है? बहुत गलत है शाजिया, बहुत ही गलत है, घोर पाप है, मैं बता दूं, गुनाह है, ये पाप भी है और गुनाह भी है, दोनों धर्मों के साथ का उपहास करना। अरे शाजिया, मतलब की बात करोगे यार, कहां पाप गुनाह में पहुंच गई हो? कर्नाटक की बात करोगे, कर्नाटक नाम तो ले लो शो पर आई हो, कर्नाटक की राजनीति करने किस्म की राजनीति को करना, एक बार नहीं बार सालों साल तक एक बार तो नाम लो कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही है, और कर्नाटक के जो हमारे साथी हैं, जो वोटर हैं, वो इस तरह की भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी और उनकी इस तरह की राजनीति से बाज आएंगे दूर, उनको उनसे निजात चाहते हैं। लेकिन शाजिया, शाजिया एक सवाल, शाजिया एक सवाल ये, शाजिया एक सवाल ये, शाजिया एक सवाल ये कि इस चुनाव में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की जब बात होती है तो उसे जोड़ दिया जाता है बजरंग बली से। प्रियंका गांधी अगर अमेठी में सर ढककर हाथ उठाकर दुआ मांग रही है तो कहा यह जा रहा है कि वो नमाज पढ़ रही हैं, और सीधे तौर पर कि वो इस्लाम धर्म को मानती हैं, उसकी आइडियोलॉजी में विश्वास रखती हैं। क्या ये मुद्दे हैं कर्नाटक चुनाव के, और क्या यही राजनीति को डिफाइन कर रहे हैं कर्नाटक की? सुमेरा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। उसी भी धर्म धर्म होता है, मजहब मजहब होता है, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, और ये वो पार्टी है जिसकी आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। हिंदुओं से हिंदुओं की बात कर लो, उनको बेवकूफ बना लो, मुसलमानों के सामने मत करो, नमाज नमाज पढ़ लो, उनको बेवकूफ बना लो, हम उनको माफ़ मांगते हैं लगातार। गंगादास जमुनादास के नाम पर हम सब जानते हैं हमारी तहजीब में रही है सरकार और उनकी पार्टी, वो फिर लगातार भगवान शिव की जटा से निकली हुई नदियां हैं। क्या बात है आप, लेकिन सुप्रिया, सुप्रिया आप भी देखिए बीच में बोल रही है, लगातार खिलवाड़ करती है ये औरत। मैं उनसे सवाल पूछ रही है, लेकिन गंगा जमुना हमारी पूजनीय नदियां हैं, हम उनको माँ स्वरूप पूछते हैं। नहीं, ये तो सुप्रिया जी, सुप्रिया जी यही तो मुहावरे पर भी, मुहावरे पर भी अब राजनीति होने लगेगी। अब आप भी ऐसा करेंगी सुप्रिया जी, गोत्र की बात करने लगे हैं, बार बार कहेंगी मैं भूली करूंगी, नई नई सुनने को मिल रही है। चलिए ठीक है, हमारा इस चर्चा का समय खत्म हो रहा है, इस चर्चा का समय खत्म हो रहा है, लेकिन सुप्रिया, सुप्रिया आखिर में मेरा सवाल आपसे ये, सुप्रिया आखिर में मेरा सवाल आपसे ये, क्योंकि ये बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप है कि आपको लगता है कि इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी, ये बार बार फिर चर्चा के केंद्र में आएगा? क्या प्रियंका गांधी ऐसा करती है? क्या प्रियंका गांधी नमाज पढ़ना आरोप नहीं है? प्रियंका जी को इस बात को मानना चाहिए, तस्दीक करना चाहिए। चुप हो जाए, हिंदू भाई बहनों की आस्था का मजाक उड़ाना और हमारे मुसलमान भाइयों को इस्तेमाल करना, हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही समय, ये अपराध, हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही समय। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। स्मृति ईरानी ने बड़ा आरोप लगाया प्रियंका गांधी पर, कहा कि वो, उन्होंने नमाज पढ़ी 2019 में अमेठी में, अमेठी के सब लोग ये बात जानते हैं कि वो नमाज पढ़ती हैं, इस्लाम धर्म की आइडियोलॉजी में विश्वास करती हैं, और इस वजह से मंदिर नहीं बनवा सकती हैं, इस वजह से मूर्ति पूजा नहीं कर सकती हैं। बड़ा आरोप है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये अनर्गल बयान है।